पकड़ 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 रेडी हो गए तुम सारे? आज पता हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुझे बताइए तो। कैसे नहीं हो रहा? अनूप से रिलेटेड है। कुकिंग? आज तुम्हारा भाई खाना बनाएगा। अच्छा, आज अपना भाई खाना बनाएगा मगर तुम्हारा भाई अभी तक उठा नहीं है। तो कैसे हम करें, लंच करेंगे या ब्रेकफास्ट? शायद डिनर भी हो तो उठाओ ना भाभी। चलो जाके उठाते हैं। मोए मोए, ये देखो गाइस, रुको मैं लाइट ऑन। ओ हेलो, आपको उठना है। ये बंदा ऐसे सोता है, ऐसे। उठो, आज आप खाना बनाना है, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, क्या बनाओगे? हुँ? क्या बनाओगे? लाइट बंद कर यार। नहीं नहीं, अब लाइट बंद नहीं होगी। कर, बंद कर दे, 10 मिनट रुक जा। आपको उठना पड़ेगा, आज आपको खाना बनाना है। ठीक है गाइस, उठो, हट जाए यार। आज आपको खाना बनाना है, आप कर सकते हो। हट जा, तंग ना। ए मां, हटो इधर। चटनी बनाएंगे अनु यार। अनु भैया आज बनाएंगे पराठे, वो भी पनीर के। ये लाइट बंद कर यार, अब बंद नहीं होगी, एक बार रुक गई तो। अब आपको जाना है किचन में और बनाना है हमारे लिए खाना। ऐसे उठाएगी मेरे को? ऐसे ही उठाऊंगी मैं आपको, मतलब कैमरे के साथ। यस, वरना आप नहीं उठोगे। आंखें खुलेगी तो उठूंगा ना। और एक बात बताओ, ये जो आप टेढ़ा सोते हो, मेरे पास तो जगह ही नहीं होती। दर्द हो रहा है तेरे? हाँ। थोड़ा लाइट के आगे आया यार, मेरी आंखों में बज रही है। इधर हो, थोड़ा इधर हो। हाँ, अब ठीक है। अब बता क्या दिक्कत हो रही है तेरे को? दिक्कत ही मुझे कुछ नहीं हो रही है, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था। क्या? जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था आप खाना बनाओगे, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा आज। हाँ तो मना थोड़ी ना किया है। हाँ तो आप बनाओगे, तो उठो फिर, हमें भूख लग रही है। तुम्हें भूख लग रही है तो खुद बनाओ, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा ना। जब मुझे भूख लगेगी तब बनाऊंगा मैं। खाने वाले तो हम है ना। Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. तो यार सोमो मेरी नींद तो पहले ही खराब कर चुकी है, अब मैं भी उठता हूँ और आज खाना मैं बनाऊंगा। उतना नहीं बनाऊंगा कि ये सारे के सारे जिस हिसाब से वेट कर रहे हैं मेरा। मैं एक दो रोटी बनाऊंगा, बहुत है बनी तो, बाकी देखो। चलो शुरू करते हैं, मैं भी उठता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं कुकिंग। मुझे उठा के मेरी नींद खराब करके ये क्या कर रही है तू? आपकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि ये नहीं होगा आपसे। मैंने मांगी हेल्प, सारा काम मैं ही करूंगा आज। भाई पर हमें भूख लग रही है। ले पनीर। रूपाली भी किसने लगी पनीर? अच्छा तो मैं मतलब पनीर के परांठे बना रहा हूँ आज। हाँ, बस हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। रूपाली ये चीज भी मुझे करनी थी आज। ये टेस्टी परांठे बनाऊंगा ना मैं, वो भी पनीर के। दोबारा पनीर के परांठे खाने? मुड़ के दोबारा पनीर के परांठों से वो हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल, इतने टेस्टी बनाए। कई वो होते हैं ना कि भाई खाना खाते वक्त उंगलियां चाटते रहेंगे। आज भी उंगलियां चाटेंगे, टेंशन नहीं, देख लो मम्मी, मजाक से हटके आज भी उंगलियां चाटेंगे। ठीक है फिर, बड़ा ओके, बस बना रहा हूँ। कितने परांठे बनाने हैं तेरे लिए? दो। भाई मैं बहुत हैवी वाले बनाता हूँ, दो ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? बनाते हो आप? हाँ। वाले बनाते हो? बनाते हो वाले। तू कितने खाएगी? मैं भी दो या तीन। बहुत हैवी वाले बनाता हूँ, दो खा लेगी, तीन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। टेस्टी हुए तो तीन भी खा सकती हूँ। टेस्टी तो होंगे ही। अगर टेस्टी हुए तो मैं चार भी खा सकती हूँ। पतले पतले चाहिए, मोटे नहीं चाहिए, पतले पतले। तुम्हें टेस्टी चाहिए? अब वो मैं बनाऊंगा, कैसे बनाने? ऐसे बनाऊंगा एक से ही पेट भर जाएगा तुम्हारा, मुड़ के नहीं मांगोगे तुम दूसरा परोठा मुड़ के नहीं मांगोगे? अरे दूसरा परोठा मुड़ के नहीं मांगोगे? देखते हैं। चलो आप अभी फ्रेश हो जाओ। ठीक है, मैं फ्रेश हो चुका हूँ और अब मेरी बारी है खाना बनाने की। रेडी हो गए तुम सारे? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, तुझे ही खिलाऊंगा जो इतनी एक्साइटेड है सबसे पहले।
तुम दोनों को टेस्ट कराऊंगा। अब करते हैं शुभारंभ। और इन्होंने हाँ तैयारी क्या क्या कर रखी है तुमने, ये भी तो दिखा दो थोड़ी बहुत। तवा रख दिया, स्टफिंग के लिए रख दिया, पलटने के लिए रख दिया, घी रख दिया। चलो वैसे तुम्हारे को ये सब करने की भी जरूरत थी नहीं, मैं खुद ही कर देता। चलो फर्स्ट टाइम, चलो हाँ अगली बार इतनी हेल्प कर दी, बहुत अच्छी बात है। पर आप गैस ऑन करोगे आप? मिठू हेलो, तू भी बनाएगा? हट जा यार तू, थोड़ा मेरे को खाना बनाने दे, इसे ले जाओ रे, वरना शेफ डाइवर्ट हो रहा है। पकड़ इसे, पकड़ 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 पकड़। मिठू फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे खाना बनाने दे। हाँ ये क्यों रखे हुए भाई? उत्तरी चल ठीक हो गया। ये देखो ये आपसे फेस टू फेस बात करेगा। अब सबसे ज्यादा सबसे पहले गैस ऑन करिए। नहीं नहीं सबसे पहले बस अब देख तू ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? घी ना पराठे में लगाने के लिए। इसे यहाँ ले, ये भी तो मुझे गाइड करेगा। हाँ इसी ने तो बनाए पराठे दुनिया भर के। पहले ये ऑन करो। क्या समझ रही है? गैस कम करो यार। तुम्हारे को तेल वाले खिला दूं? नहीं नहीं घी, सॉरी घी वाले मतलब नॉर्मल परांठे। हाँ। उसमें स्टफिंग रहने देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या मजा? फिर हैवी हैवी बनेंगे। देख रही हूँ मैं अनूप की क्या रहेगी। हैवी हैवी बनेंगे फिर मत बोलना। पर यार फिर तुम रोज मुझे तंग करोगे। है? नहीं नहीं हफ्ते में एक बार करेंगे बस। नाइस हो गया यार, गैस तो तब तक ऑन ही रह जाएगी। हाँ तो गरम हो रहा। नहीं नहीं सिम पे करो, वो गरम हो रहा है ना तब तक। पराठे कैसे बनेंगे बस इसको इतना कर दो। मिठू ठीक है, प्रोफेशनल लग रहे हो आप। ऐसे नीचे डालते हो तुम लोग? हाँ हाँ नहीं, या तो उसमें ही कर दो, बात एक ही है। एक तो बच्चा भी तक कर रहा है फिर भी खाना बना रहे हैं। वही तो, ये देखो खाना बनाते हुए बच्चे लोग तंग करते हैं। तुम्हारा शायद मुझे नहीं पता तुम कैसे बनाते हो, पर खाना बनाते टाइम बच्चे लोग तंग करते हैं। ये पक्की बात है तुमने शॉपिंग वाले खाने? हाँ। कम है गाइस, कम है, कम है। क्या स्टफिंग कम है? आटा कम है? कम है स्टफिंग। तुम्हें टेस्टी खाना की नहीं? तुम्हें टेस्टी खाना की नहीं? यस यस। बस फिर ये तो शेफ के हाथ में होता है ना। ठीक है, शेफ कैसे बना रहा, हर किसी के मसाले अलग, टेक्निक अलग, बनाने का तरीका अलग। ओह मुझे लग रहा था यही पैक नहीं होगा, ये तो हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। सर गोल कैसे हो? अब देखो तुम ना यार, तुम शेफ को शंख बन गया पैसे। शंख बन गया ना, ऐसी तो गोल बन गया। अभी देखो तुम थोड़ा आटा लगा लो, आटा लगा देखो तुम अभी भाई, अभी तुम देखो तुम जब बोलोगे ना, सबसे पहले ये जो ये होती ना ये दिखनी नहीं चाहिए। दिखनी नहीं चाहिए और उन्हें और नुकीला कर दिया। हाँ तो ये दिखनी नहीं चाहिए, ये बीच में मिक्स हो जानी चाहिए, ऐसे लगता है दो रोटियां हैं वरना। नाइस। मुझे लग रहा है ये स्लैब आपके लिए छोटा पड़ रहा है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। छोटा छोटा कुछ नहीं भाई, काम करने वाले बंदे कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, तुम्हें क्या पता है यार। इसे ऐसा कर दूं गोल हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या पता, गोल ये ना हो गया। आटे चीज ही ऐसी है जो कहीं भी मिक्स हो जाती है। कौन कह रहा था गोल शेप नहीं आ रही? मेरा ये हाँ, मेरे हथियार का है। कौन सा? पलटने वाला। इसके ऊपर डालने से पहले घी भी तो डालना पड़ेगा। नहीं बाद में लगाएंगे। घी नहीं डलता? डलता है, पहले आप डालो तो एक साइड। जब तुम्हारा टेक्निक्स गाइस, तुम्हारी अलग है मेरी अलग होगी। चलो ठीक है। वो छपाका मत मारना मुंह पे, पर ऐसा होगा जब पिघल जाएगा और ऊपर से परांठा जोर से रखोगे। तुम यार मुझे डरा रहे हो, मेरे को पता है ना तुम्हें कैसे क्या चीज क्या बनानी है, कैसे खिलानी है।
मैं तो नहीं खाऊंगा, अपने अपने रिस्क पर देख लो। आज मैंने कल रात को ठान ली थी कि आज मैं फास्ट करूंगा। फास्टिंग पे? मैं खुद 24 आज की फास्टिंग पर, इनकी फरमाइश पे बनाया जा रहा है ना। आप लोगों की फरमाइश है भाभी, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर इसे ना हल्के हल्के ऐसे ऐसे भी करना होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेकना। मेरे पति कह रहे दो खाएंगे, संजीव कपूर फेल है, कहते दो खाएंगे। मैंने कहा भाई एक के बाद ही दूसरा नहीं मांगूंगा मैं, इतना हैवी बना नहीं मांगेंगे, हैवी होता है और इतना टेस्टी, इतना हैवी कि दूसरे की जगह ही नहीं आएगी तुम्हारे पास। मुश्किल है भाई, लग गई रे। शेफ का हाथ जल गया, हो जाता है। मैंने बहुत दिनों बाद कदम रख रहा हूँ ना किचन के अंदर। जंग चल रही है भाई, भाई देख लो बनाते हैं वही जंग, तू देख भाई खाना तो बालक लोग बनाते हैं, अन्नू की तो जंग चल रही है। जंग नहीं, तू देख और फिर देखना अंकित से कंपेयर करना मेरे परांठे को। अंकित ने बनाया वैसे कभी परांठा? परांठा तो नहीं बनाया उसने। अंकित परांठे बनाता है, अंकित चीज बनाता है। उसने रोटी बनाई है, देखो मम्मी देख ले फिर ना बोलियो कि तेरे बाल को कुछ नहीं आता। बहुत बड़ी बात है। अब बस एक चीज की कमी हो सकती है इसमें, क्योंकि मैंने ये स्टफिंग टेस्ट नहीं की या मैंने अपने हाथों से मसाले नहीं डाले। अब तुम्हारे पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, अगर टेस्ट में कमी आई तो मसाले की वजह से आ सकती है। हाँ सही बात है, वो मैंने टेंशन ना कर, उसमें नहीं आएगी। आई ना, ये क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखा ऐसे होते हैं, ये तंदूरी भी बन रहा है एक तरह से ना, एक साइड तंदूरी एक साइड नॉर्मल है। हाँ घी तो अब लगेगा ना, जैसे जैसे पलटेंगे इसे बारी बारी ना, थोड़ी थोड़ी देर में पलटना भी पड़ता है। और तुमसे जल्दी बना रहा हूँ, तुम्हारा थोड़ा सा तो लेट लगता है। आप खा लेते हो दो परांठे, एक होता है टेस्टी और एक होता है कि भाई डेली का काम है निपटाना है। तू तो फिर दो तीन बन ही जाएंगे ना। मेरा हेल्दी भी है, तुम तेल ज्यादा डालते हो। नहीं हम इतने ही डालते हैं। देखा इतनी डालते हैं, मतलब आ गया ना मेरी बराबरी पे, इतनी डालते हैं। कर रहा मेरी बराबरी, कोई दिक्कत नहीं। बस अब तुम्हारे को छोटा सा काम दे रहा हूँ, इतना कर पाओगे? देखना बन गया? नहीं बस हो गया, चलो प्लेट में डालो। बन गया गाइस, ये देखो ऐसे जाता है, देखो नाइस। अब इसमें मैंने चटनी भी बनाई होगी, चटनी बनाई है मैंने। इमली की चटनी बनाई आपने आज? बनाई होगी एक, सुबह बनाई थी एक, बनाई थी एक। देखा मैंने चटनी भी बनाई थी थोड़ी, तो अब ये चटनी के साथ हम देंगे। और है मेरे पास कुछ दही भी लाया था मैं। अपने जज को बुलाने जा रहे हैं अब। मम्मी आइए, आ यहाँ पे बैठ। अब मम्मी नंबर दो भाई, परौंठी कैसी लगी? मस्त मस्त, मुझे पता है। इधर आओ, साले मारूंगा इतना, पता नहीं कितना इसमें फिर भर के बनाने में। भर के अंकित और रोनी ने तो छोड़ो, अंकित ने कभी ये शफी वाली बनाई है? नहीं बनाई ना उसने, सिर्फ वो तेल वाली परांठी बनाई है, पता नहीं। नहीं तेल वाली भी नहीं बनाई, नहीं घी वाली। सैंडविच बनाता है, सिंपल रोटी और रोटी भी बनाई है। अब देख ये मेरा, मम्मी के लिए दही भी खोल देते हैं। अरे भाई प्रेजेंटेशन, मम्मी शेफ ऐसे नहीं कहलाए जाते फिर। चल तू ही कर ले। ना ना ना, इसके साथ और कुछ लाया था मैं? अचार चाहिए मम्मी? ना करकरी वही रे। हाँ करकरी, मतलब ये साइड से जो फ्लेवर आता है ना, यहाँ पे से तोड़ना। सच्ची बता कैसा लग रहा है? यहाँ तो कुछ बराई नहीं है, यही तो हर किसी की अपनी कलाकारी है ना, बहुत स्टाइल पे बनी हुई है। गोलाई में सिर्फ बीच बीच में। तुमने क्या कहा था कि दो चाहिए तुम्हें, बोला था कि नहीं? अगर मैं सारा भर देता तो फिर सच में ही वो मैं अपने तरीके से बनाता तो एक ही में हो जाते। अब देख ये देख, पनीर किसने बोला पनीर नहीं बना सकते हैं ऐसा? बना खाओ 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 मम्मी, 100 out of 100 ना मिले तो सोम का नाम बदल देंगे हम। मेरा मिट्टू का नाम चिट्टू रख देंगे फिर। सही है, गजब बनी। कितने नंबर? पूरे में से पूरे
मम्मी आशीर्वाद दो फिर। देखा भाई मैं ना चीजों को देख के सीख लेता हूँ, ऐसी कला है कुछ मुझ में। अब मम्मी एक एक मिनट टेस्ट कराई दे, मैं भी देखूं। कौन बोल रहा था कॉर्नर से? नहीं है, हेलो स्टफिंग कॉर्नर पे कौन बोल रहा है? कैमरा ला भाई, वो बीच में कैमरा मैन। ये कॉर्नर नहीं है, ये कैसा बीच है? अरे उस साइड और इस साइड, ये देख लो भाई। स्टफिंग भर भर के डालता हूँ मैं, भर भर के स्टफिंग भर भर के डालता हूँ मैं, भर भर के। रोनी सच्ची कह रहा हूँ, एक तू भी खाएगा। नहीं तरह बढ़िया बनाएगा, बीच में से तो लग ही रहा है। रोनी डरावा क्यों है? सबको खिलाती हूँ, सबको लो टेस्ट कर एक बार ले। अब सेब पनीर खान, सेब पनीर भी आ जाए। सेब सच्ची बता दे, प्याज का टेस्ट, पनीर का टेस्ट, आयर वाली तू भी टेस्ट करेगी। सौभाग्य है ये अनु के हाथ का पराठा खाना। नंबर भी देने भाई? नहीं पहले खा, अभी तो उम्मीद है। मुझे आटे वाला आया इसमें अलग अलग स्वाद मिलेगा, अलग अलग स्वाद मिलेगा। हर वाइट में अलग स्वाद है। रूपाली आपके साथ धोखा हुआ, कहते मेरे पास आटे वाला आया। इट्स ओके, पहले खा तब बता। भाभी तो अपने बंदे की साइड लेगी। साइड नहीं भाई, रोंडी नहीं पीटनी, जैसे तेरे को लगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखा, यस। अब आवाज में परौंठे से ज्यादा दम है। चलो भाई, चलो अच्छा है। अब से ले, तेरे पास गोली आई थी ना अंदर वाले, ले ले बहुत ऐसी ऐसी। अब बाहर वाला बहुत टेस्टी भाई, ये देख, ये खा, तेरे पास आई है। अब आया सब कुछ तेरे पास, असली स्टफिंग आई है रूपाली के पास। अब बता कैसे? बहुत टेस्टी यार, मुझे लग रहा है चीज आई है, चीज आई है। और फिर मुझे शुरू कर लेना चाहिए कभी एक बार। मैं आपको, मैं तो क्या ही, मेरी पार्ट टाइम हॉबी है, हाथों में जादू है, मेरी पार्ट टाइम हॉबी भी है ये, है ना। एक दिन ना रात को अचानक 3 बजे मेरी नींद खुली, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, आवाज आ रही है, तब दूसरे का नंबर आएगा। बाहर जाके देखा अनूप रात को वो बना रहे थे पराठे अजवाइन वाले। मैं किसी किसी टाइम बनाता हूँ रात को चुपचाप, तुम्हें ना पता लगे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। मैंने ये क्या कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ अकेले में, बताओ। देख लो मजा ही आ गया गाइस। अगर तुम्हारे को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, पर कमेंट में बताना अगर तुम्हारे को चाहिए कुछ तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।